हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स से वादा किया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो उर्दू में होगी, एंड हियर आई एम ट्राइंग टू डू दैट। बीच में थोड़ी बहुत इंग्लिश आती रहेगी यू गाइस, बिकॉज मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है कैमरे के सामने बैठ के सिर्फ इंग्लिश ही मेरे मुँह से निकलती है। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता मेरा मसला क्या है। मे बी, जस्ट मे बी, आई एम अ बिट मोर कॉन्फिडेंट टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज मैं दुबई में बड़ी हुई थी और वहाँ पे मोस्टली यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज यू नो ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे से भी आप बात करें उसको उर्दू आती है, राइट? तो आई थिंक यही वजह है और कोई ख़ास वजह नहीं है। मुझे बिल्कुल भी शो मारने का शौक नहीं है कि मैं बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। नो, आई एम नॉट दैट पर्सन एट ऑल, शी सेज वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। सो आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये वाला मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ। आई फेल इन लव विद दिस मेकअप, आई डिड दिस 2 days ago, एंड यू गाइस जस्ट लुक, आई एम सॉरी, आई एम सो फुल ऑफ माई सेल्फ। एनी वेज, ये लुक मैंने फुल ड्रग स्टोर मेकअप से किया है, अफोर्डेबल मेकअप से किया है। द मेकअप जो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से पाकिस्तान में मिल जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन मेक अ वीडियो, जो भी ऑनलाइन स्टोर जिनसे मैं मेकअप खरीदती हूँ मैं आपको उनके बारे में बता सकती हूँ, जहाँ से आपको सिर्फ ऑथेंटिक ओरिजिनल अफोर्डेबल मेकअप मिलेगा। नो फेक्स, आई विल नॉट टॉलरेट फेकनेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेक मेकअप, जस्ट नो। अगर आपको अफोर्डेबल मेकअप चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं आजकल जो कि बहुत अफोर्डेबल मेकअप निकाल रही हैं। मेकअप्स, वाह, व्हाट इज मेकअप्स। तो ये लुक जो है इट इज़ स्वेट प्रूफ, ह्यूमिडिटी प्रूफ एंड हीट प्रूफ। लाइक इस मेकअप को अगर आपने अपने मुंह पर लगा लिया तो ये उतरने वाला नहीं है कम अज़ कम 8 to 10 hours, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बिकॉज मैं बहुत सुस्त इंसान हूँ, मैं जब एक दफ़ा अपने मुंह पर मेकअप लगा लेती हूँ ना, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग टू इट, आई जस्ट लेट इट बी। तो मुझे इसके लिए बिल्कुल श्योरिटी चाहिए होती है कि मेरा मेकअप ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं, तो होपफुली आपका मेकअप भी बिल्कुल 8 से 10 घंटे तक कहीं नहीं जाएगा। एंड आई एम समबडी हु इज़ वेरी क्रीज प्रोन, लाइक मेरी आंखों की नीचे क्रीसेस आ जाती हैं अगर मैं मेकअप सही से सेट ना करूँ। आई गेट स्माइल लाइन्स, आई डोंट हैव ऑयली स्किन बट आई गेट ऑयली ऑन माई नोज ओनली व्हेन आई एम वेयरिंग मेकअप। तो यानी कि कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ऑयल होता है, राइट, फाउंडेशन वगैरह में, जिससे आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली लगने लगती है। तो यू नीड टू सेट दैम, सो यूज़ पाउडर्स, यूज़ एवरीथिंग दैट आई शो यू। एंड ऑल्सो आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड लाइक ये सब चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए तभी आपका मेकअप अच्छा होगा। नो, आपके पास जो मेकअप ऑलरेडी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेन थिंग इज़ यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स विच इज़ सेट योर क्रीम मेकअप विथ पाउडर। जो भी आप क्रीम अपने मुँह पर लगाती हैं उसको पाउडर से ज़रूर सेट करें, स्पेशली इफ़ यू लिव इन अ हॉट एंड ह्यूमिड एरिया लाइक मी। कराची में बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये मेकअप को बिल्कुल बर्बाद करने वाले फैक्टर्स हैं। और मेरी ज़िंदगी है मेकअप, तो अगर मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा तो आई डोंट नो, आई गेट वेरी एंग्री। तो आई जस्ट मेक श्योर कि मेरा मेकअप ख़राब हो ही नहीं, ठीक है, और उसी के लिए मैं ये सारे स्टेप्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ। नाउ दिस इज़ नॉट योर नॉर्मल एवरी डे लुक एट ऑल, दिस इज़ अ वेरी ग्लैमरस लुक। इन माई ओपिनियन ये लुक ईद के लिए और दावत वगैरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इट्स नॉट टू ग्लैम बट इट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी नेचुरल लुक, इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, इट इज़ द राइट बैलेंस ऑफ कलर्स। आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत म्यूटेड लाइट पिंक और न्यूड टोन्स यूज़ किए हैं अपने मेकअप में। आई लव न्यूड टोन्स इन माई मेकअप, स्पेशली ऑन माई लिप्स, आई लव अ गुड न्यूड लिप। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी एक्स्ट्रा बिकॉज यू कैन सी द स्किन इज़ सुपर ग्लोई। And you guys, there is a very special product जिससे कि मुझे ये वेट लुक मिला है स्किन के ऊपर, आप देखेंगे एंड योर माइंड विल बी ब्लोन इंशाल्लाह। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कह दिया जो मुझे कहना था, एंड नाउ वी कैन जस्ट मूव ऑन टू द ट्यूटोरियल। ऑलराइट, तो अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेप हमेशा कलर करेक्शन होता है मेकअप में, जिसके लिए मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये शेड थोड़ा सा मेरी स्किन से डार्क है और इसकी पीची या फिर ऑरेंज अंडरटोन्स हैं, जिसकी वजह से ये कलर करेक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अपने डार्क सर्कल्स, एक्ने स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन को कलर करेक्ट करती हूँ।
इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्रेश लुक नहीं आता। और जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप कितना भी फाउंडेशन लगा लें, अगर डार्क सर्कल्स हों तो वो अजीब शेडो सा देते हैं स्किन पे, लेकिन कलर करेक्ट करने से सारे शेडोज़ चले जाते हैं स्किन पे से और आपकी बेस बहुत ज़्यादा स्मूथ और इवन लगती है। मैं इसको ब्लेंड करने के लिए स्पंज यूज़ कर रही हूँ। अब हम आ गए फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है। इस फाउंडेशन की दो तरह की पैकेजिंग होती है, मगर फार्मूला अंदर सेम ही है। मैंने आपको दोनों पैकेजिंग दिखा दी हैं। ये फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है, ये मेरा ड्रग स्टोर से फेवरेट फाउंडेशन है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बिल्डेबल है और ये हर स्किन टाइप पे सूट करता है। जिस जगह मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए होती है, वहाँ पर मैं फाउंडेशन को टैप करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर, यानी कि हल्का हल्का मैं स्किन में पुश करती हूँ ब्रश को। और जिस जगह पर मुझे थोड़ी कम कवरेज चाहिए होती है, वहाँ पर मैं ब्रश को बफ करती हूँ। बफिंग करने के लिए हम ब्रश को सर्कुलर मोशंस में अपनी स्किन के ऊपर स्वाइप करते हैं। फाउंडेशन के बाद मैं ब्राइटनिंग कंसीलर यूज़ करती हूँ और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मेरा कंसीलर टूट गया ऑन स्क्रीन, कोई बात नहीं। हाइलाइटिंग कंसीलर बेसिकली आप अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं। जिस जगह को भी आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, वहाँ पर हाइलाइटिंग कंसीलर लगाएँ। सब प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से अपनी स्किन के अंदर प्रेस करें, कोई चीज़ भी बिल्कुल लाइंस की तरह आपके मुंह पे नहीं नज़र आनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी तरह से ब्लेंड होनी चाहिए। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये आप स्पंज से बहुत इजीली अचीव कर सकती हैं। सिर्फ आपने अपने स्पंज को स्किन के अंदर प्रेस करना है, रब नहीं करना बिल्कुल भी। आई नो मेरी वीडियोज़ फास्ट फॉरवर्डेड हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं रब कर रही हूँ, बट आई एम नॉट रबिंग एट ऑल। मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली अपनी स्किन के अंदर फाउंडेशन को प्रेस कर रही हूँ। और जिन एरियाज़ में स्पंज नहीं जा सकता सही से, जैसे इनर कॉर्नर हो गया, उसके लिए मैं एक छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब हम कॉन्टोर करेंगे अपने फेस को। इस कॉन्टोर पैलेट की हालत से आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं ये कितनी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई लव दिस पैलेट, इट इज़ सो अफोर्डेबल, बहुत अच्छी पैलेट है ये। कॉन्टोर करने के लिए हर किसी को अपनी फेस शेप के हिसाब से कॉन्टोर करना होता है, तो जो आप प्लेसमेंट देख रहे हैं मुझे इस वक्त, ये मेरे फेस शेप के लिहाज से परफेक्ट है। और फॉर रेफरेंस, मेरा फेस ओवल है और जब मुझे स्वेलिंग हो जाती है तो मेरा फेस राउंड लगने लगता है। सो दिस कॉन्टोर प्लेसमेंट इज़ परफेक्ट फॉर राउंड टू ओवल फेस शेप्स। क्रीम कॉन्टोर करने के बाद मैं क्रीम या स्टिक हाईलाइट यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। ये हाईलाइट बिल्कुल आपकी स्किन को एक नेचुरल सा ग्लो देता है। इसके अंदर कोई ख़ास कलर नहीं है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ शाइन। जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इट लुक्स वेरी नेचुरल। ये सिर्फ मैं अपनी पाउडर हाईलाइट की बेस देने के लिए लगा रही हूँ। अगर आप क्रीम हाईलाइट के ऊपर पाउडर हाईलाइट अप्लाई करें और क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश अप्लाई करें, तो इससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लंबे देर तक आपके मुंह पे रहेगा और फेड नहीं होगा। इस वजह से मैं पहले क्रीम बेस की प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हूँ और फिर बाद में मैं इनके ऊपर पाउडर्स अप्लाई करूँगी। अगर हम अच्छे मौसम वाली जगहों पे रहते हैं तो हम सिर्फ क्रीम्स यूज़ करके छोड़ सकते थे इस मेकअप को, लेकिन क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, बहुत ही गर्मी और ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, इस वजह से मुझे पाउडर प्रोडक्ट्स लाजमी यूज़ करने पड़ते हैं, वरना मेरा मेकअप सारा पिघल जाएगा। इस हाईलाइट को मैं सिर्फ अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ और इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्रीम ब्लश। नाउ यू गाइस, ये ब्लश इतनी आसानी से शायद आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, बट इट इज़ सच एन अमेजिंग ब्लश और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप गोल्डन रोज़ की ब्लश स्टिक यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, या फिर आप नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स की ब्लश स्टिक्स यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। मेरी आदत है इस ब्लश को उठाना, तो मैंने बाय मिस्टेक वाला उठा लिया, वरना आई वॉज़ अबाउट टू यूज़ द NYX कॉस्मेटिक्स का ब्लश। मैं ज़्यादातर क्रीम ब्लश के लिए स्टिपलिंग ब्रश यूज़ करती हूँ ब्लेंड करने के लिए उसको। मुझे ब्लश लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरे डार्क सर्कल्स फिर भी नज़र आ रहे हैं, तो मैं दोबारा से उनके ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर लगा रही हूँ ब्राइटनिंग कंसीलर की, और इसको मैं एक छोटे ब्रश से ब्लेंड करूँगी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ये कंसीलर बहुत ज़्यादा फैल जाए मेरे फेस के ऊपर। और इस छोटे से ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैं स्पंज से थोड़े से एजेस को दोबारा से ब्लेंड करूँगी, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था, आपके मुंह पे कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल भी लाइंस की तरह नहीं लगा हुआ नज़र आना चाहिए, हर चीज़ एक दूसरे के अंदर ब्लेंड होनी चाहिए स्मूदली।
जब कंसीलर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और कोई भी क्रीज ना बचे उसके अंदर, तो हम सेट करेंगे इसको पाउडर से। और ये मेरा फेवरेट पाउडर है, अभी पता चलेगा आपको। माशाल्लाह से देखें कितना कम रह गया ये। मैंने इसके दो शेड्स यूज़ किए हैं, BE1 और BE2। BE1 से मैं अपना अंडर आई एरिया सेट कर रही हूँ और टी जोन को सेट करूँगी। ये थोड़ा सा मेरी स्किन से लाइट है जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। और मैं इसको पूरे फेस पे बिल्कुल नहीं अप्लाई करूँगी, सिर्फ टी जोन और आईज़ के नीचे अप्लाई करूँगी। आई लव दिस पाउडर, ये बहुत अच्छा पाउडर है। अब मैं दूसरा शेड लिया है मैंने BE2 और उससे मैं अपना पूरा फेस सेट कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा भर के पाउडर नहीं लगा रही, मैं बहुत ही हल्का हल्का पाउडर कर रही हूँ अपने फेस को। और जहाँ पे मैंने क्रीम ब्लश वगैरह लगाया था उस जगह को मैंने बिल्कुल लाइटली पाउडर किया है। अब हम पाउडर ब्रॉन्जर यूज़ करेंगे। माशाल्लाह से इसकी हालत भी बहुत अच्छी हो रही है। ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इस वजह से इनकी ये हालत हो रही है। बट यू गाइस, मेरा मेकअप कितना भी बर्बाद लगे, मैं हमेशा इसको सैनिटाइज करके रखती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं वो कैसे करती हूँ, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। मुझे ज़रूर बताएं इफ़ यू वांट टू नो। नोज़ कॉन्ट्रोल के लिए मैं ये छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इससे मैं अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल करूँगी। मैंने क्रीम कॉन्ट्रोल नहीं किया था अपनी नोज़ को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोल लुक नहीं चाहिए। लेकिन जब पूरा फेस कॉन्ट्रोल हो और अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल नहीं करें, तो आपकी नोज़ अजीब खाली खाली लगेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा बस पाउडर कॉन्ट्रोल कर रही हूँ अपनी नोज़ को। और इसके बाद आएगा मेरा फेवरेट स्टेप, विच इज़ हाइलाइटर, ब्लाइंडिंग हाइलाइटर। आई लव दिस पैलेट। इस पैलेट के अंदर जो हाइलाइट शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं फ़ैन ब्रश से हाइलाइट अप्लाई कर रही हूँ। इस ब्रश से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ब्लेंड करने के लिए। इसकी शेप ऐसी है कि इससे आपकी हाइलाइट खुद ही बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होती जाती है। आप बस सॉफ्टली अपने ब्रश को स्वाइप करें फेस के ऊपर एंड यू विल सी कि कितना अच्छा ग्लो आता है। और ये ग्लो बेसिकली इस हाईलाइट पैलेट की वजह से आता है, ये बिल्कुल भी पाउडरी और टेक्सचर्ड नहीं है। और अब मैं अप्लाई करूँगी पाउडर ब्लश। ये ब्लश मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे हाथ से 10 दफ़ा गिरा होगा और गिर के टूट गया है। मैं हमेशा ब्लश को आखिर में अप्लाई करती हूँ कॉन्टोर और हाईलाइट के बाद। इससे ये होता है कि मेरी हाईलाइट और मेरे कॉन्टोर कलर जो हैं वो एक दूसरे के अंदर थोड़े से ब्लेंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें बिल्कुल अलग अलग लगी हुई हैं, क्योंकि ब्लश बीच का शेड है, इसलिए मैं उसको आखिर में अप्लाई करती हूँ। अब मैं अपनी आईब्राउज को सेट करूँगी इस ब्राउ मस्कारा से। आई लव दिस मस्कारा, इट इज़ सो अफोर्डेबल और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डज नॉट फील क्रंची और हैवी एट ऑल। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी ब्राउज यहाँ पे ब्लैक से डार्क ब्लॉन्ड कैसे हो गई, तो आई कैन शो यू इन अ सेपरेट वीडियो। और अब मैं अपने पूरे फेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे करूँगी, ताकि मेरा मेकअप अच्छी तरह से मेरे फेस के ऊपर जो है क्या कहना चाहिए, जम जाए। मैं हमेशा स्प्रे करने के बाद अपने फेस को स्पंज से दोबारा हल्का हल्का ब्लेंड करती हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी अपने मुंह के ऊपर केकीनेस और टेक्सचर नहीं चाहिए। अब मैं अपनी ब्राउज़ के जो खाली खाली एरियाज़ हैं उनको फिल करूँगी। यू गाइस, इस पेंसिल के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता, इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ सुपर थिन और ये ब्राउ हेयर ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये पूरा दिन मेरे आईब्रोज के अंदर रहता है विदाउट एनी फेडिंग। आई लव दिस पेंसिल। और अब हम आ गए लिप्स के ऊपर। कलर पॉप के लिए पेंसिल्स आर अमेजिंग, आई लव देम, दे आर सो क्रीमी, सो बटरी एंड सो पिगमेंटेड। ये मैंने पूरे अपने लिप्स पे तकरीबन अप्लाई की। उसके बाद मैं मैट लिपस्टिक अप्लाई करूँगी क्लेजोना ब्यूटी की। दिस इज़ सो अंडररेटेड, इट इज़ सो अफोर्डेबल। मुझे यकीन नहीं आता कि इट इज़ सो अफोर्डेबल और ये बहुत अच्छी है। इट हैज़ वेरी नाइस कवरेज और ये बिल्कुल भी क्रंची क्रंची फीलिंग नहीं देती आपके लिप को। इसके बाद मैं ज़रा कंसीलर लेके थोड़ा सा इस शेड को लाइट कर रही हूँ, बिकॉज मेरा पता नहीं क्या मसला है, मुझे हमेशा नूड कलर चाहिए होते हैं। और उसके लिए अगर आप कंसीलर मिक्स करें अपनी किसी भी लिप शेड में, तो अच्छा सा नूड कलर बन जाता है। और आप वो कंसीलर यूज़ करें जो आपके आपकी स्किन से मैच करता हो। उसके बाद मैं ये ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ। ये ग्लॉस भी बहुत ज़बरदस्त है,
इट इज़ क्वाइट थिक, लेकिन फिर भी ये स्टिकी नहीं है। और ये गाइस, ये मेरे लिप्स के ऊपर पूरे 8 घंटे तक रहता है विदाउट फेडिंग, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। और अब बारी है आई मेकअप की, जिसके लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ कार्ली बाइबेल की, हु इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर ऑफ ऑल टाइम। आई लव हर एंड आई लव दिस पैलेट, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सबसे पहले मैं मीडियम पिंक सा शेड ले रही हूँ और इसको आउटर कॉर्नर में और इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा ब्लेंड करके लगा रही हूँ। अब मैंने सेकेंड थोड़ा सा डार्क शेड लिया है, और इस शेड को इतना ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा जो फर्स्ट शेड अप्लाई किया था उसके बीच में। और इस शेड को मैं लोअर आईलिड में भी अप्लाई करूँगी, और लोअर आईलिड के सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको पूरा अंदर तक नहीं लेके जा रही। अब मैंने ये लाइट पीची सा शेड लिया है और इससे मैं अपने क्रीज कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा स्मोकी सा लुक आ जाएगा, और ये वाला शेड मैं अपनी पूरी नीचे वाली आईलिड में भी अप्लाई करूँगी और इसको थोड़ा सा स्मोकी करने के लिए भी यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स की ये स्पार्कलिंग ग्लिटर बेस यूज़ कर रही हूँ। गाइस, दिस बेस इज़ अमेजिंग, और इनके जो स्पार्कलिंग पाउडर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कितना प्यारा इफेक्ट आएगा आईलिड्स के ऊपर। पहले मैं इस बेस को अप्लाई कर रही हूँ, और मैं इसको काफ़ी ऊपर तक अप्लाई कर रही हूँ, लाइक आप देख रहे हैं मैं ऑलमोस्ट अपनी आईब्राउज तक ले गई इसको, बिकॉज आई वॉन्ट दैट वेरी हाईलाइटी, वेरी स्पॉटलाइटी लुक। अच्छा, अब ये मैं स्पार्कलिंग डस्ट ले रही हूँ, इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो लूज पाउडर्स हैं ये इतना प्यारा स्पार्कल देते हैं, जब मैं अपनी आईज पे अप्लाई करूँगी तो आप देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन स्पार्कल्स से ऐसा लुक आता है जब आप सी साइड पे बैठे होते हैं और सूरज की किरणें पानी के ऊपर पड़ रही होती हैं, तो पानी में जो शाइन आ रही होती है ना, इट लुक्स लाइक दैट। अब मैं इस शिमर शेड से इस स्पार्कलिंग डस्ट को ब्लेंड कर रही हूँ मैट शेड्स के अंदर। ये शिमर शेड्स इतना प्यारा ब्लेंड हो जाते हैं मैट शेड्स के अंदर, बिल्कुल कोई भी हार्श लाइंस नहीं लगती। और मैं ये वाला शिमर शेड अपनी लोअर लिड में भी अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपना इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन हाईलाइट कर रही हूँ इस प्यारे से पिंक कलर के हाईलाइटर से। इस पैलेट के हाईलाइटर्स भी बहुत अच्छे हैं, आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं इनको, दे आर अमेजिंग। फिर मुझे लग रहा था कि हाईलाइट थोड़ी और ब्राइट होनी चाहिए, तो मैंने ये वाइट कलर का हाईलाइट पाउडर ले लिया और इसको मैंने हल्का सा बीच में भी अप्लाई किया अपने लिड्स के। अब हम आ गए मस्कारा पे। दिस इज़ माई फेवरेट मस्कारा ऑफ ऑल टाइम, इट इज़ सो अफोर्डेबल। मुझे लग रहा है मैंने पूरी वीडियो यही कहा है, इट इज़ सो अफोर्डेबल, बिकॉज हर चीज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और गाइस, अब जो मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना, उससे मेरे फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा जो ग्लो आप देख रहे थे वो आया है, एंड इट इज़ दिस जेली पॉप हाईलाइटर बाय एल्फ। अच्छा, ये जेल नॉर्मल जेली हाइलाइटर से बहुत डिफरेंट है, ये वैसा नहीं है कि जो आपके फेस के ऊपर अप्लाई होने के बाद ड्राई हो जाएगा और पाउडर की तरह लगने लगेगा। इट गिव्स यू अ वेरी वेरी वेट लुक, और ये आपने हमेशा मेकअप के ऊपर आखिर में लगाना है, इसके ऊपर आप मेकअप अप्लाई नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा स्टिकी फील होगा, बट इट्स नॉट अनकम्फर्टेबल और हैवी ऑन द फेस एट ऑल, और इट लुक्स सो गुड। और मैं इसको अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, मेरे ख्याल से ये ब्रश से और स्पंज वगैरह से अच्छा ब्लेंड नहीं होगा, इसके लिए फिंगर्स बेस्ट हैं। और ये कैमरा में मे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, बट रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है गाइस, इट लुक्स लाइक यू आर ग्लोइंग फ्रॉम विद इन। अच्छा, मैं नोज़ हाईलाइट करना भूल गई थी, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ कि नोज़ को हल्का सा ज़रूर हाईलाइट करें। और ये हमारा मेकअप कम्प्लीट हो गया। ऑलराइट गाइस, सो ये था मेरा फिनिश लुक, आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा, आपकी समझ में आए होंगे सारे स्टेप्स जो मैंने बताए। और अगर आपने मुझसे कोई भी सवाल पूछना है इस लुक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। और इसके अलावा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो देख के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जब मैं कोई न्यू चीज़ पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आप देखें उसको। आई विल रियली रियली अप्रिशिएट दैट।
एज यूजुअल मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगी, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है मेरी अगली वीडियो के लिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, आई रियली वॉन्ट टू नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.